सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत औसम होने वाली है। एक तो गाइस आज मतलब वो जो आप लोगों से मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, उसकी गाइस डिलीवरी वगैरह तो नहीं लेने गए क्योंकि वो काम लंबा चौड़ा होता है। तो मैं उस टाइम ना स्कूल गया हुआ था। तो खैर, अभी फ़िलहाल गाड़ी आ चुकी है, ये आप लोग देख सकते हो। ये ना समझना, ये हमारी पुरानी गाड़ी है, ये शायद आप लोगों ने मेरे बहुत से व्लॉग्स में देखी भी है। तो खैर, क्या कहते हैं, अभी जो न्यू गाड़ी है ना वो भी आ चुकी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे, वो मैं सही से दिखाऊंगा। और हाँ गाइस, आज मैंने स्कूल भी जाना है। अभी सुबह का ये वक्त है, तकरीबन टाइम 6 बज रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैंने कहा कि ना सुबह टाइम ही गाड़ी का ना टूर करा देता हूँ, लेकिन एक तो गाइस अभी टाइम नहीं है, ऊपर से ना मैं कहा अच्छे से कराएंगे यार, मैं थोड़ा बता देंगे ना कुछ डिटेल विटेल भी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी मेरे इस साइड पे अभी आने लगी थी गाइस, अभी इस साइड पे है, शायद आप लोगों को कलर पता चल गया हो क्योंकि मैंने गलती से कैमरा मोड़ दिया था। सो गाइस, बेसिकली वाइट कलर की वो गाड़ी है, बाकी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। 3, 2, 1 नहीं 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 यार गाइस, यूँ मैं भी बता दूंगा। अभी आप लोग पीछे देख सकते हो ना, इस साइड पे ये जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं ना, इसके आगे वो गाड़ी खड़ी है। और हाँ गाइस यार, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि आज मतलब आज तो नहीं, खैर इंडिपेंडेंस डे भी था हमारा, मतलब आज के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो बाकी मुझे पता है 14 अगस्त को था, और वीडियो पता नहीं 18 को आ रही होगी या कुछ इस तरह आ रही होगी, लेकिन फिर भी यार गाइस मेरी वीडियो लेट आ रही है। तो खैर कोई नहीं, हम लोग लेट ही कर लेते हैं, ये देख सकते हो। अब मैं बाजा नहीं लिया क्योंकि आई नो बाजा नहीं बजाना चाहिए। तो बाकी आप लोग ये देख सकते हो, ये मुझे पड़ा था तकरीबन 100 कुछ का, ये फ्लैग पड़ा था सिर्फ ये फ्लैग। तो बाकी जो भी को बहुत अच्छा फ्लैग है ये। तो खैर, अभी मैं आप लोगों से डायरेक्ट तैयार होने गाइस। अभी जो है मैं स्कूल से आ चुका हूँ, अभी मैं तकरीबन मगरिब होने वाली है, मैं आके सो गया था, फिर यूँ उठा, फिर मतलब फ्रेश व्रेश हो के फिर मुझे व्लॉग का भुला हुआ था, फिर मुझे ना अभी अभी याद आया तो ना मैंने अब व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मैंने जैसा कि आप लोगों को सुबह कहा था, एक तो हम लोगों ने फ्लैग उतारना था, फ्लैग गाइस हम लोग सुबह उतारेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है और वैसे भी मुझे 2-3 काम है। तो मैंने कहा पहले आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ, तो चलो मैं आप लोगों को गाड़ी दिखा दूँ। 3, 2, 1 नहीं यार यूँ नहीं, मैंने गाइस कुछ सिनेमैटिक्स बनाने की कोशिश की है, वो आप लोग देखना, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सिनेमैटिक्स तो देख ही लिए होंगे, अब मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ। 1, 2, 3 सो गाइस, ये वाली आप गाड़ी देख सकते हो, ये हम लोगों ने ली है, मैं भी आप लोगों को अंदर से भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, प्रमोशन कर देते हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं। तो बाकी यार गाइस, इसके अंदर जो है ना, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। अब वो मेरे बहुत से स्कूल के दोस्त भी कह रहे थे, और वैसे भी ना मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि आपने यूँ गाड़ी दिखानी थी, फिर दिखाई नहीं ये वो। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा यार, मैं मुँह धो के आया हूँ, मुझे पसीना नहीं आया हुआ। तो अभी हम लोग अंदर बैठते हैं, ये देखो। सो गाइस, ये कुछ इंटीरियर है यार, हैंडल लॉक हुआ, एक मिनट हैंडल सीधा कर लूँ। सो गाइस, हैंडल तो सीधा हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो, ये डिस्प्ले है यार, ये बताऊँ क्या क्या रखा हुआ है। खैर ये है, उसके बाद हाँ सच गई, ये मैनुअल गाड़ी है, ये आप लोग देख सकते हो ना। आप लोग कहोगे कि ये छोटी गाड़ी है, तो ये वाली जो गाड़ी है ये मेरे लिए चलाना ज़्यादा ईजी होगी उसके मुकाबले। लेकिन गाइस आप लोगों को एक बात बताऊँ, वो वाली जो गाड़ी है ना वो ऑटोमेटिक है, और वो वाली मैंने बहुत बार ना रोड पर भी चलाई है और घर में भी बहुत बार चलाई है, तो वो वाली ज़्यादा ईजी है चलाना। लेकिन गाइस ये है क्योंकि मैनुअल, तो इसमें ज़रा होता है कि अगर गियर सही ना लगे तो आगे गाड़ी लग जाती है, और ऊपर से आप देख सकते हो बिल्कुल दीवार के साथ खड़ी है, सामने दीवार है, इसलिए रिस्क नहीं लेते, गाड़ी नहीं चलाते। वैसे अभी घर में नहीं चलानी चाहिए, इधर उधर लगना चाहिए। और बाकी ये गाड़ी मैनुअल है, आप लोग देख सकते हो, और मुझे थोड़ा बहुत तो पता है। ये क्लच है। एक तो कहते मैंने जूती पहनी है, अब मैं बूट पहनना भूल गया। खैर छोड़ो, चलो खैर है, मेरे बड़े व्यूज़ है जो बूट पहनता है। ये ब्रेक है और ये एक्सेलरेटर है। यहाँ से गाइस मैंने ना एक बार चलाई थी, ये वाली नहीं कोई और थी वो, ये देखो ये लगा के
यहाँ से गियर लगाने हैं यूँ करके, उसके बाद गई इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने और रेस आहिस्ता आहिस्ता घुमानी है, फिर यूँ गाड़ी चल पड़ेगी। और मेन थिंग गाइज, आप लोगों को मैं इसका मीटर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे चाबी लगती है, इसका स्टार्ट वाला ऑप्शन नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो। एक मिनट, अभी देखना, एक मिनट गाइज मैं फ्लैश ऑफ कर लूँ। सो गाइज, ये वाला जो है ये इसका है मीटर, ये देखो 1 2 3, ये देखो ये ऑन हो चुकी है, अभी मैंने चाबी हल्की सी घुमाई है। तो ये देखो, ये गाइज बहुत फिट है कि ये सुई पूरे घूम के ऊपर चली जाती है, फिर इधर आ जाती है। और बाकी गाइज इसकी एसी भी बहुत फिट है, बहुत फिट हवा आ रही है यार, ये हॉर्न कौन दे रहे है। और भाई गाइज बाकी ये स्क्रीन है, इसको ये गूगल मैप वगैरह ये इतना कोई ख़ास मुझे यूज़ नहीं करना आता, तो कुछ यूँ करके सीन वीन है, इस पर सॉन्ग वगैरह भी लग जाते हैं। तो ये डबल इंडिकेटर है, अभी मैं आप लोगों को बाइक से भी दिखाता हूँ आगे से। ये हम लोग गाड़ी पहले बंद कर दें। तो गाइस आप लोग जो हो, ये कुछ ये आगे से है, आप लोग देख सकते हो, द्वार के साथ खड़ी है, मैं कुछ इतना ज़्यादा दिखा तो नहीं सकता। ये देखो ये गाड़ी है, और उसके बाद पीछे से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पीछे से भी गाइस बहुत फिट जगह है, आराम से बैठ सकते हैं, मेरे जैसे बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं, कोई इतनी टेंशन नहीं है। तो बाकी उसके बाद कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है, उसके बाद गाइस आप लोगों को मैं पीछे से दिखाता हूँ, मैं तो पार्क व्हील्स ही बन गया हूँ। खैर ये भी वैसे नॉट बैड जगह, ये पीछे से इसकी लुक है, ये आप लोग देख सकते हो। तो अब हम लोग फिलहाल बंद कर देते हैं इसको। सो बेसिकली पूरी कुछ ये यूँ करके है। तो बताना आप लोगों को छोटा सा मेरा टूर कैसा लगा। बेसिकली एक तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग गाइस मुझे बताना कैसा इसका ना, गाइस मैंने सुबह भी एक बार बनाया था, लेकिन सुबह ना मैंने स्कूल जाने से पहले बनाया था जल्दी में, तो वो इतना कोई ख़ास नहीं बना। बाकी अब आप लोग देख सकते हो रिवील हो चुकी है जैसे कि मैंने कहा था। और इसके अलावा अच्छा है गाइस, हम लोग ने ये वाली गाड़ी नहीं आज तक चलाई, ये वाली चलाई है, अगर कभी चलाई ना तो मैं इसका व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। बाकी इसका मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, ये वाले गाइस चलाना ईजी है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। तो बाकी और तो इसमें कुछ नहीं था दिखाने वाला, एक बार अंदर चले जाते हैं। तो ये साइड से इसकी लुक है। बाकी गाइस मैंने पार्क व्हील्स की तरह छोटा सा गैरेज टूर दे दिया है। और हाँ, ये इसका एंटीना, ये मेरा फेवरेट है, ये देखो ये सही है, ये पुराने ज़माने का जो रेडियो वगैरह होता था ना, इसका भी है वो देखो। कहाँ गया इसका, कहाँ गया वो नज़र आ रहे ना गाइस आप लोगों को वो, तो इसका वो है। बाकी इसके गाइस लाइट भी अच्छी है, मैं अभी आप लोगों को लाइट चला के दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो अच्छी खासी लाइट है। वैसे गाइस जो भी कहो मुझे तो फिट लगी है। और गाइस अब आप लोगों को मैं बताता हूँ ये मैंने हम लोगों ने ली क्यों है, क्योंकि गाइस आप लोगों को जिस तरह पता होगा, एक मिनट लाइट ऑफ कर देते हैं। तो गाइस जैसे आप लोगों को पता होगा कि कितनी मतलब पेट्रोल वगैरह महंगा हो गया है, तो अगर शहर के अंदर चलानी हो ना, एक तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह शहर के अंदर चलाते हैं कहीं पे लग लुक जाती है गाड़ी तो मतलब नुकसान हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर इसका बोनट टूट गया तो इसका ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, इसका 5000 का बोनट आएगा, इसका ऑन द अदर हैंड 2000 कुछ का आ जाएगा। और वैसे भी ये पेट्रोल भी कम कंज्यूम करती है। तो बाकी और तो इसमें कुछ नहीं था, हम लोग एंटीना बंदर कर देते हैं। बाकी कैसा लगा आप लोगों को छोटा सा टूर मेरा, ये ज़रूर बताना। ये थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है, इसे इग्नोर करना, बिकॉज मैं अभी अपने डेरे में खड़ा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पड़ा रहता है, लेकिन साफ हुआ हुआ है। तो बाकी और तो अब कुछ दिखाने के लिए है नहीं, मैंने आप लोगों को तकरीबन सारा कुछ ही दिखा दिया है। पैसेंजर साइड आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, मैंने कहा व्लॉग की लेंथ ही बढ़ा लेना थोड़ी सी। तो इधर से गाइस ये देख सकते हो, गाइस अच्छी खासी जगह है आगे भी बैठने के लिए, ये लाइट है और ये क्या है, ये भी कुछ है। तो बाकी ये एसी के कंट्रोल्स हैं और ये इंडिकेटर चला हुआ है, अगर लाइट चलाओ ना तो ये करके कुछ नॉर्मल से है। तो बस सही है, और तो कुछ नहीं था, पीछे देख लो। बाकी थोड़ी सी चलाने की नहीं नहीं कहीं फ़िलहाल नहीं चलाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मेरे साथ अभी फ़िलहाल कोई है नहीं। तो बाकी अब बस ठीक है गाइस, गाड़ी का इतना ही टूर ठीक था।
अब कभी इसके साथ कोई बड़ा टूर हुआ तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो इसमें गाइस वो क्रूज कंट्रोल भी नहीं है और वो दूसरा इलेक्ट्रिकल मिरर्स भी नहीं है। तो और हाँ, मेन थिंग गाइस ये इसकी चाबी है, मैं आप लोगों को चाबी दिखाता हूँ, एक मिनट। तो गाइस मुझे पसीना इतना आ गया, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब स्ट्रगल। तो गाइस इसकी ये चाबी आप लोग देख सकते हो, ये कीरिंग का भी इसका कोई भी नहीं निकलवाया, कोई भी नहीं लिया, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये आप लोग देख सकते हो, आफ्टर मार्केट थोड़ा सा करवाया था, आई थिंक तो कोई दरवाज़ा खुला रह गया जो लाइट चल रही है। तो बाकी यार गाइस बहुत फिट थी ये गाड़ी, इसके आप लोगों ने सिनेमैटिक्स भी देखे। अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा टूर अच्छा लगा हो तो मतलब हिट द लाइक बटन। तो बाकी तो कुछ नहीं, अभी इंडिकेटर बंद कर देते हैं। मैंने आप लोगों को देखने के लिए कहा था, ये इसका बड़ा मज़ेदार मुझे लगता है। तो बाकी सही है, फिर ये थी। और हाँ, इसके जो आप लोग कह रहे हो ना कि न्यू गाड़ी के सीट मिरर, वो न्यू गाड़ी के ऊपर तो वो प्लास्टिक के होते हैं, तो इस गाड़ी के ऊपर क्यों नहीं है? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गाड़ी के जो शीशे मिरर लाइटें वो थी ना यार, ये बंद क्यों नहीं हो रहा, कौन सा दरवाज़ा खुले। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं आप लोगों को गाइस बता रहा था कि इसकी ये ना लाहौर गई थी ये गाड़ी, तो ना गाइस ये लाहौर गई थी और इसके अंदर ना वो वाली सीटें थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर पानी गिरे ना वो पानी इस सीट के अंदर चला जाएगा, तो वो वाली हटा के हम लोगों ने प्लास्टिक सीटें करवा ली। क्योंकि गाइस फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा होता है कि पानी गिर जाए, किसी को पता नहीं चले, गाड़ी छाँव में खड़ी कर दें, या सर्दियाँ होती हैं वो पानी अंदर पड़ा रहेगा फिर स्मेल आने पड़ती है, इसलिए प्लास्टिक वाली सीटें ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो बस इसलिए करवाई। बाकी यही था मेरा एक छोटा सा टूर, बताना आप लोगों को कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आप लोग से, नहीं नहीं इस व्लॉग में, हाँ 14 अगस्त का मैंने फ्लैग उतारना था, वो हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में उतारेंगे। और हाँ गाइस, आप लोगों से जैसे कि मैंने वादा किया था कि एक फ़नी वीडियो आएगी, आई नो वो आनी थी, लेकिन वो आएगी 19 अगस्त को, सैटरडे को आएगी, सैटरडे संडे को, सैटरडे को आ जाएगी, तो वो सैटरडे को आएगी, उसके लिए भी तैयार है ना, बहुत फिट वीडियो। बाकी मैं अभी तो आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस अभी मैं जो हूँ ना स्कूल से आ चुका हूँ, और अभी मैं जो हूँ ना